मैं इसमें लता चौक पे खड़ा हूँ, आपको बता दूँ कि आप देख सकते हैं जिस तरह से रेती से भगवान राम की प्रतिमा बनाई गई है, या समुद्र सेतु काल की प्रतिमा है, और साथ ही आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ बनाई गई है, योगी और मोदी की इस पर प्रतिमा बनाई गई है, बनाया जा रहा है रेती से। मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ चौक पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, यहीं से लोग प्रवेश करते हैं, इसको रामपथ के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कलाकार जो है प्रतिमाओं को साकार रहे हैं, वह भी रेत से, मैं उनसे ही बातचीत करना चाहूँगा कि किस तरह से यह जो है आप लोगों ने रेती से इसे बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो समुद्र सेतु की यह उस टाइम की है, जो पत्थर है छोटे छोटे वो समुद्र सेतु में डाले गए हैं, इस तरह से रेती से बनाया गया है, बड़ा ही काल्पनिक दृश्य है और लोगों के मनों में एक उत्सुकता है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, क्या कहेंगे जिस तरह से आप इसको बना रहे हैं, किस तरह से आनंद प्राप्त हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम लोग को राम मंदिर बनने में सहयोग दे रहे हैं हम लोग भी, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी सहयोग दें। राम कहाँ से आए हैं? जी मैं बलिया से आया हूँ, मेरा नाम आदित्य कुमार यादव है, मैं रुपेश भैया के टीम से सेंड आर्ट करता हूँ। तो ये सेंड आर्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं रेती से जिस तरह से यहाँ पर योगी और मोदी जी की प्रतिमा बनाई गई है, साथ में जो राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाया गया है उसका भी ये लोग आर्ट से बना रहे हैं, पूरा वह चित्रीकरण जो है रेती से किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बड़े संख्या में आ रहे हैं और लोग सेल्फी निकाल रहे हैं, साथ में यहाँ पे फोटो भी निकाल रहे हैं, और एकदम मनोहारी दृश्य है, बड़ी संख्या में यहाँ से लोग गुजरते हैं प्रायः, यह लता चौक है, यहाँ पे आ करके यहाँ पे यहीं से जो लोग है आते हैं और इसे देख रहे हैं। कर्नल संतोष कदम के साथ आनंद पांडे, अयोध्या। हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।